कैसे हैं? हाँ जी स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया, एक तो थर्ड चैप्टर में अजम्पशन एंड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS, ये सारी चीज़ें कर ली हैं। आज हम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक। आप सबने नोट कर रखा है, रिवाइज कर रहे हो प्रॉपर तरीके से? प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है और आपको जो पढ़ना है वो रेगुलर बेसिस पे, एक टाइम पे पढ़ना है। ये नहीं कि एक दिन में सारा कुछ देख लिया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। चलिए आज हम देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पूरा बेस बनेगा और जितना अभी तक हमने मेहनत किया ना वो सारा यहाँ के लिए किया था, इससे आगे जाने के लिए। तो आज सीखेंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। तो रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हमारे बिजनेस में ना चार चीजें होती हैं, खर्चे, रेवेन्यू, लाइबिलिटी और एसेट्स। रेवेन्यू को मैं बोलूँ तो रेवेन्यू जो हम पैसा कमाते हैं ना उसको रेवेन्यू बोलते हैं। आपको याद होगा रेवेन्यू के डेफिनेशन, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जो कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रेवेन्यू बोलते हैं। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ ताकि आपका थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा रहे इनकम। वैसे इनकम तो होता है आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, लेकिन इसको रेवेन्यू को मैं इनकम लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहो, और कोई रीज़न नहीं है। तो हमारे बिजनेस के अंदर एक एक्सपेंस होगा, एक रेवेन्यू होगा, एक लाइबिलिटी होगा, एक एसेट्स होगा। तो सबसे पहले एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटीज और एसेट्स। तो मैं अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो क्या क्या एक्सपेंस हो सकता है आपका? देखो एसेट्स और एक्सपेंस दोनों हमने डेफिनेशन किया हुआ है, तो कुछ एक्सपेंसेस अगर मैं लिखूं तो मैं लिखता जाऊंगा, आपने बस अभी देखना है, नोटिंग करने के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा मैं। तो अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो नंबर वन सैलरी। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है बताइए? खर्चा है सर, सैलरी देंगे तो खर्चा है। सैलरी की जगह पर मैं इसको वेजेस भी बोल सकता हूँ, वेजेस, ठीक है। नंबर टू और क्या होता है? बेड डेट्स, पैसा डूब गया, याद होगा आपको बताया था, बेड डेट्स। और क्या हो सकता है सर? और नंबर थ्री हो सकता है स्टेशनरी। और क्या हो सकता है? और हो सकता है आपका स्टेशनरी। स्टेशनरी के बाद और क्या हो सकता है? आपको विजुलाइज हो रहा है ना, एक बार चेक करो विजुलाइज हो रहा है नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, बच्चों को चेक करो एक बार, ठीक है? हाँ जी हो रहा है प्रॉपर विजुअलाइज, आपने देखना है। बस मैं लिस्ट बना रहा हूँ, बस सब पता है, बस आपकी बातों को ही लिख रहा हूँ। नंबर फोर और क्या हो सकता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। अलाउड क्या है सर? डिस्काउंट दिया है। और क्या हो सकता है? नंबर फाइव और हो सकता है हमारा डेप्रिसिएशन। खर्चा होता है ना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। और क्या हो सकता है सर? टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल। और क्या हो सकता है सर टेलीफोन के बिल की जगह पे? इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप बताओ ना, और मेरा बिजनेस है, मेरा इंस्टीट्यूट है, और बताओ क्या क्या खर्चा करूंगा मैं, सोचो मन में, सोचो सोचो फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक, मैं ऐड भी तो करता हूं अपने ट्यूशन का, एडवर्टीजमेंट। और क्या हो सकता है? और सर आपके छोटे मोटे खर्चे हैं जिसको हम बोलेंगे सन्ड्री एक्सपेंस, याद होगा मैंने बताया था सन्ड्री एक्सपेंस, और इसी को क्या बोलते हैं हम? जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस। और क्या होता है सोचो खर्चे में? रिपेयर का खर्चा। और क्या हो सकता है? कैरेज हो सकता है, किराया, कैरेज। कैरेज को हम कार्टेज भी बोलते हैं, कार्टेज के बाद हम इसको और क्या बोलते हैं? कैरेज, कार्टेज और फ्रेट भी बोलते हैं, तीनों का मतलब होता है किराया। मैं लिख देता हूं कि क्या होता है किराया, किराया, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ सर? और हो सकता है हमारा, और इंटरेस्ट दोगे तो वो भी तो खर्चा है, बिल्कुल सही, इंटरेस्ट पेड। और क्या हो सकता है सर? रेंट भी तो दोगे, बिल्कुल ठीक,
रेंट पेड, और क्या हो सकता है सर? कमीशन भी तो दोगे किसी न किसी को। बिल्कुल ठीक, कमीशन पेड। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है आपका लॉस हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट। और क्या सर हो सकता है? और बताइए सर, और क्या हो सकता है? अकाउंटेंट सैलरी, और क्या हो सकता है अकाउंटेंट सैलरी के अलावा? और क्या हो सकता है बताओ ना, और क्या हो सकता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और क्या हो सकता है सर? अकाउंटेंट सैलरी, इसके बाद 15, एक और लिख दो सर। अकाउंटेंट सैलरी के बाद क्या हो सकता है सर? पोस्टेज स्टैम्प, और इस पे ETC लगा देते हैं, ठीक है, पोस्टेज स्टैम्प। तो ये सारे ना बच्चे आपके ना खर्चे हैं। बिजनेस करोगे तो बिना खर्चे करे हुए बिजनेस तो चल नहीं सकता। और भी बहुत सारी चीजें हो सकता है, इंश्योरेंस का खर्चा हो सकता है, और भी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 15 के बाद एक, देखो 16, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। याद रखना इस पॉइंट को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। और क्या हो सकता है बच्चे? और बहुत सारे हमारे खर्चे हो सकते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैं अभी क्या चैप्टर है उसके बारे में नहीं बता रहा, अभी हम सिर्फ सीखेंगे कि बिजनेस में कितने तरीके के खर्चे होते हैं। और ये सारे खर्चे पता है कौन से हैं? ये सारे खर्चे हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि किस चीज़ का खर्चा है। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर चाय पीने का खर्चा, समोसे खाने का, बिल्कुल वो सब जनरल एक्सपेंस में आ जाएगा। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि सर भगवान को पूजा करने का खर्चा अगरबत्ती का, बिल्कुल सही, वो सब जनरल एक्सपेंस में आ जाएगा। और भी अगर मैं खर्चे बताऊं तो खर्चे तो इतने सारे हैं ना, रिपेयर हो गया, कुछ भी अलग अलग तरीके का जो भी आपसे जाता है, आप बैगर को पैसे देते हो, वो सारा का सारा खर्चा है यहाँ पे। मतलब बिजनेस में बैठोगे सुबह से शाम तक तो खर्चा ही करते रहते हो। सर सामान खरीदेंगे तो क्या खर्चा नहीं होगा? बिल्कुल, गुड्स परचेज भी एक्सपेंस का पार्ट है। लिख देते हैं चलो, गुड्स परचेज, ठीक है ना, गुड्स परचेज भी एक्सपेंस का पार्ट है। तो मैंने आपको सिंपल बताया हमारे बिजनेस में क्या-क्या खर्चे होते हैं, क्लियर है? और इसके बाद अब बात करते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या-क्या होता है हमारे बिजनेस में? चलो रेवेन्यू लिखते हैं। नंबर वन सेल्स, नंबर टू इंटरेस्ट रिसीव, नंबर थ्री डिस्काउंट रिसीव, नंबर फोर और क्या क्या हो सकता है इस पे मैं स्टार बना देता हूं, बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट रिसीव का डिविडेंड रिसीव, और क्या हो सकता है सर? और भी बहुत सारे इनकम हो सकते हैं, कमीशन भी तो रिसीव कर सकते हो। बिल्कुल ठीक, कमीशन रिसीव। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, बिजनेस के अंदर ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? एक्सपेंसेस हैं। और बिजनेस के अंदर ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे रेवेन्यू है। रेवेन्यू जैसे सेल्स, और ये सारे, ये वाला रेवेन्यू होता है ना हमारा, ये ऑपरेटिंग होता है, और ये सारा होता है नॉन ऑपरेटिंग, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से हमारा इनकम आ जाता है। अगले पॉइंट में देखते हैं लाइबिलिटी। देखो लाइबिलिटी को मैं दो कैटेगरी में बांट दूंगा, एक होता है ऑनर फंड फंड, जिसे मैं बोलूंगा इंटरनल लाइबिलिटी, पता होगा आपको, करवाया था याद करो थ्योरी में, तो वो सारी चीजें इसलिए तो करवाया था मैंने कि आपको यहां कोई समस्या ना हो। इंटरनल लाइबिलिटी एक होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या क्लियर है? एक अभी क्या क्या होता है लिस्ट लिख रहा हूं, आप चिंता मत करो, लिस्ट तो मैं लिख ही रहा हूं आपके सामने, आपने देखना है ये लिस्ट तो। चलिए ठीक है,
सर इंटरनल लाइबिलिटी में क्या लिखोगे सर? बस एक ही चीज़ लिखता हूँ, अलग बिल्कुल मार्कर से लिखता हूँ, और एक चीज़ क्या होगा? बस एक होगा, वो होगा कैपिटल। कैपिटल बस सर, एक ही पॉइंट। हाँ बस एक ही बहुत है, ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या है हमारा? कैपिटल। और सर एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल में तो लंबी सी लिस्ट है, वो लिख देता हूँ। जैसे सर लंबी सी लिस्ट मतलब क्या? देखते जाओ ना, बैंक से लोन, और सर बैंक ओवरड्राफ्ट, अब सब कुछ याद आएगा आपको जो हमने करा है। और सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की मैं बात करूं, अगर मैं सिर्फ आपको रेंट बोलता हूं, रेंट, तो रेंट हमारा एक्सपेंस का पार्ट होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो लाइबिलिटी का पार्ट होगा। अगर मैं बोलूं सैलरी, तो खर्चा है वो। लेकिन बोलूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो लाइबिलिटी बन जाएगा। अगर मैं बोलता हूं आपको इंटरेस्ट, तो एक्सपेंस है। अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, या एरियर इंटरेस्ट, या पेबल इंटरेस्ट, तो क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। याद है ना? इसके बाद नंबर फोर, और क्या होगा सर? क्रेडिटर। और सर, सर याद आ गया, बिल्स पेबल। और क्या होगा सर? और बिल्स पेबल का, और बताओ ना लाइबिलिटी, और बता रहा हूं, एडवांस इनकम सर, और बताओ लाइबिलिटी, हमें और जानना है लाइबिलिटी। एडवांस इनकम के बाद होगा डिबेंचर। सर डिबेंचर क्या होता है? ये कंपनी वगैरह जो होती है, वो कर्जा जब पब्लिक से लेती है, तो उसे हम डिबेंचर बोलते हैं। और बताओ सर, 10 पूरे कर दो। अच्छा बेटे, 10 पूरे करता हूँ। और हो सकता है हमारा, और लाइबिलिटी क्या हो सकता है? और लाइबिलिटी हो सकता है हमारा, जैसे कि आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। सर और बताओ ना, प्रोविजन फॉर टैक्स, सर ये तो नहीं बताए कभी। कई बार होता है क्या है, हमें टैक्स गवर्नमेंट को इतना देना है, उसका प्रोविजन बना के रखते हैं, और वो लाइबिलिटी में रखते हैं, क्योंकि हमें देना है। याद रखना, आपने देना है। और क्या होगा? और बताओ बेटे, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, और क्या बताएं? और बता देते हैं, चलो चलो और बता देते हैं आपको, कैश क्रेडिट। सर ये कैश क्रेडिट क्या होता है बच्चे? ये जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, उसी तरीके का कैश क्रेडिट होता है। इसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस है कैश क्रेडिट, तो वहां देखेंगे। अभी आपने समझना है सिर्फ क्या है, ये लाइबिलिटी है। और क्या है? और है पब्लिक डिपॉजिट। लो, मैंने कर दिए पूरे 10, आपने बोले 10 करो, कर दिए। सर एक अच्छा नहीं लग रहा ओनर फंड में, एक अच्छा नहीं लग रहा, और लिख दो ना इसमें, प्लीज लिख दो सर। चलो लिखते हैं, ऑनर फंड में हम लिखते हैं जनरल रिजर्व। और क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। सर और लिखो ना, और फ्री रिजर्व। ये सारे जितने भी रिजर्व है, बेसिकली ये सब हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस का ही अलग अलग नाम है। तो प्रॉफिट किसका होता है बताओ? सोचो, बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो किसका हिस्सा, उसके ऊपर हक किसका होगा? सर मालिक का होगा, तो कैपिटल में ही तो ऐड होगा, इसलिए मैंने यहाँ अलग अलग भी लिख दिया। आप जिद कर रहे थे इसलिए लिख दिया, नहीं तो मैं लिखता नहीं यहाँ पे। चलो ये सारे क्या बताए बच्चे मैंने? बिजनेस के एक्सपेंस। क्या शुरू हो रहा है? छोड़ दो उसको, छोड़ दो क्या शुरू हो रहा है अभी। ये देखो, ये क्या है हमारा? ये सारा का सारा बिजनेस एक्सपेंस है। ये क्या है हमारा? रेवेन्यू है। ये क्या है? लाइबिलिटी है। और ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल। चलो जी सर, ये तो समझ में आ गया। एसेट सर याद आ रहा है? एसेट्स आपने पहले भी करा, बिल्कुल वही, बिल्डिंग। और सर बोलो मशीनरी। और बताओ मेरा एसेट्स क्या है? सोचो मेरे पास क्या है? मेरा कैमरा, लैपटॉप, कंप्यूटर। और क्या हो सकता है सर? और आपका फर्नीचर। और क्या हो सकता है सर? और हो सकता है आपका गुडविल।
याद करो, बताया था ना गुडविल। और क्या हो सकता है सर, और बताओ ना। और प्रीपेड एक्सपेंस, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं। प्रीपेड एक्सपेंस तो आपको लगेगा अच्छा इतनी मेहनत उस टाइम की थी। हाँ बिल्कुल, प्रीपेड एक्सपेंस। और क्या होगा सर, 8 नंबर, प्रीपेड एक्सपेंस के बाद और होगा स्टॉक। स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। सर और बताओ ना, और बताओ ना, और क्या बताऊं मैं। और होगा बैंक बैलेंस। और अगर हमारे कैश में बैलेंस है तो कैश बैलेंस। और क्या होगा, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है, एक्रूड इंटरेस्ट। और क्या होगा, और बताते हैं बच्चे आपको, और होगा डेटर। और बताओ सर, एक नाम याद आ गया, बिल्स रिसीवेबल। बस इतने एसेट्स बहुत है, बाकी मैं नोट्स के अंदर लिस्ट मैंने दिए हुए हैं सारे एसेट्स के। कुछ एसेट्स जैसे कि लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक जीव जंतु, वो भी हमारा एसेट्स होता है। कैसे सर लाइव स्टॉक एसेट्स होता है बच्चे, देखो जो लाइव स्टॉक है ना, वो जैसे कि सर्कस वाले हैं उनके लिए हाथी घोड़ा, या धोबी के लिए जैसे डोंकी हो गया, या फिर जो बैंड बाजे का काम करते हैं उनके लिए घोड़ी वगैरह, वो सारे उनकी एसेट्स तो हैं क्योंकि 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनको लाइव स्टॉक बोलेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा सर, अभी हमने देखा एक्सपेंसेस इतने होते हैं, रेवेन्यू इतने होते हैं, लाइबिलिटी इतने होते हैं, एसेट्स इतने होते हैं। तो अब हमें सीखना क्या है, अब हमें सीखना है रूल। अब मुद्दे की बात करते हैं, रूल। चैप्टर का नाम है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। और अगर क्रेडिटर लग जाए तो वो अलग बात होता है। एक होता है हमारा डेबिट, एक होता है क्रेडिट। क्या है हमारा रूल। अब देखो हर काम को करने के लिए रूल होता है। आप पढ़ते हो, पढ़ने का कोई ना कोई अपना रूल होता है। खाना खाते हो, खाना खाने का रूल होता है आपका। रोड पे इवन चलते हो तो चलने का, लेफ्ट में चलना है, राइट में चलना है, हर किसी पे एक कानून है। तो अकाउंट्स इतने बड़े सब्जेक्ट में क्या रूल नहीं होगा किसी को करने के लिए? अगर रूल नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपनी मनमानी करेगा। आपने देखा था ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या कहा था, कि सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, के हमारा जितने भी रूल एंड रेगुलेशन है, कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए, बैलेंस शीट कैसे होने चाहिए, वो सारा का सारा पॉइंट हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जो कि इंडियन AAS बनने जा रहा है, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो हम अगर अकाउंटिंग रूल के हिसाब से नहीं करेंगे तो हमारे बैलेंस शीट पे कोई विश्वास नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत टाइम लगा के, बहुत सोच समझ के बताया हमारे ना रूल के हिसाब से देखा जाए तो हम तो अकाउंटिंग करते हैं, और अकाउंटिंग करते हैं कुछ इस तरीके से हम। मैंने बोला हाँ बिल्कुल ऐसी अकाउंटिंग करते हैं। तो इसमें देखा जाए तो एक ये है और एक ये है, दो साइड है बेसिकली। यहाँ पे एक ये साइड है और एक ये साइड है। तो रूल बनाया गया साइड पे बेसिस पे। तो हमारे दो साइड है, कौन कौन से साइड है, एक है डेबिट साइड, डेबिट साइड, और एक है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। एक है डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। हाँ सर, एक है डेबिट साइड, एक है क्रेडिट साइड। यानी जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग के अंदर जो आप यहाँ पे लिखोगे, इस साइड में जो लिखोगे उसे डेबिट और इस साइड में लिखोगे क्रेडिट, ये रूल है। तो सर डेबिट में क्या-क्या चीजें लिखी जाएगी, बस यही तो समझना है हमें। डेबिट में दो चीजों को लिख सकते हैं हम सर। दो चीजें कौन-कौन सी, या तो आप सारे खर्चे को डेबिट लिख सकते हो, या फिर आप एसेट को डेबिट लिख सकते हो। आपको याद रखना है, या खर्चे को डेबिट किया जा सकता है या फिर एसेट्स को डेबिट किया जा सकता है सर। बाकी बाकी क्रेडिट होंगे दो चीजें। हमारे बिजनेस में चार चीजें ही तो हैं सर, चार है। तो देखो 1, 2, 3, 4 है, तो चार में से दो बच गए, तो दो बताओ क्या क्या होगा, सोचो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, दो क्या होगा। दो के मैंने नाम दे दिए, और दो क्या क्या आएंगे जल्दी जल्दी बताओ सर। रेवेन्यू,
और सर एसेट। अच्छा, दो चीजें, रेवेन्यू और एसेट्स। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे रूल की बात करें तो रूल कहता है हमारे दो साइड होते हैं अकाउंटिंग करने के, जैसे लेफ्ट और राइट होता है, तो उन दो साइडों को, एक को डेबिट साइड बोला जाता है, एक को क्रेडिट साइड, जिसे नाम पक्ष भी बोलते हैं हम। तो डेबिट को हम आज के बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DR डॉट। इसको डॉक्टर नहीं पढ़ना, DR डॉट डेबिट और CR डॉट क्रेडिट। ठीक है, चलो। यानी सर आपने मुझे जो बताया, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बताओ एक्सपेंस का क्या साइड होगा, देख के बता दो। चलो एक्सपेंस का क्या साइड होगा, सर देख लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं हम देखेंगे नहीं, हम बता रहे हैं। हाँ बेटी बताओ, एक्सपेंस का साइड होगा डेबिट। बिल्कुल सही जवाब। और इनकम, अब इनकम हटा दूं, समझ में आ गया, इनकम का साइड बताओ क्या होगा, यानी रेवेन्यू का साइड बताओ। सर इसका साइड होगा क्रेडिट। हाँ बेटे, चलो अब मुझे लगता है आप इसका साइड नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। बताओ लाइबिलिटी का साइड, लाइबिलिटी का साइड, लाइबिलिटी का साइड। सर लाइबिलिटी लिखा ही नहीं, ओ हो गलत लिख दिया ना यहाँ पे, आपने बोला भी नहीं। तो ये जो होगा हमारा एक लाइबिलिटी होगा क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या होगा हमारा, लाइबिलिटी। ठीक है, अब एसेट्स का तो नहीं बता पाओगे। सर एसेट्स का क्या बात कर रहे हो, एसेट्स का होगा हमारा डेबिट। इसका मतलब हमारे बिजनेस में चार बातें ही होती है, इस बात को आपको अच्छे से समझना चाहिए। एक होता है हमारा एक्सपेंस, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। चार पॉइंट्स हमारे बिजनेस में होते हैं और ये चारों पॉइंट्स में आपके साइड हमें पहले से डिसाइडेड होता है। पहला होता है हमारा डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ऐसा कुछ नहीं कि पहले डेबिट, डेबिट साइड में दो चीजें आएंगी, क्या क्या आएंगी बताइए। एक आएगा हमारा एक्सपेंस और एसेट्स, जो कि एक्सपेंस है और रेवेन्यू है, सॉरी एक्सपेंस है और एसेट्स है, और क्रेडिट में आएगा रेवेन्यू और लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए एक बार नोट करिए इसको, फिर हम आगे चलेंगे इस पे। सर क्या समझाने वाले हो आज, आज क्या समझाओगे, आज बहुत ही बेहतरीन चीज समझेंगे हम, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में बच्चे ये कुछ हमारे क्या है, एक्सपेंसेस। बिजनेस में एक्सपेंसेस है तो इसे हमें कहाँ लिखना चाहिए, अकाउंटिंग का रूल क्या कहता है, कहाँ लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए एक्सपेंस, बोलो कहाँ लिखे तुम्हें। एक्सपेंस बोलता है मुझको डेबिट में लिखो, रूल क्या कहता है, डेबिट में लिखो। सेम ऐसे आ जाओ रेवेन्यू, रेवेन्यू बोलो कहाँ लिखे तुम्हें, रूल के हिसाब से कहाँ लिखे रेवेन्यू, मुझे तो लिखो आप कहाँ पे, क्रेडिट में लिखो, मुझे क्रेडिट में लिखो। बिल्कुल सही। अब एक्सपेंस को भी पता चल गया कहाँ जाना है, रेवेन्यू को भी पता चल गया कहाँ जाना है, अब लाइबिलिटी को जगाते हैं, लाइबिलिटी लाइबिलिटी आपको कहाँ जाना है बताओ, कौन से साइड में जाओगे। लाइबिलिटी कहता है मुझे तो जाना है क्रेडिट में, तो लाइबिलिटी को भी पता चल गया। अब एसेट्स को जगाते हैं, एसेट्स 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 भाई साहब कहाँ पे जाना है आपने, बोलता है मुझे जाना है डेबिट में। तो इन सब का घर का पता इनको पता चल गया, क्या आपको पता चला इनके घर का पता चला। हाँ सर मुझे पता चल गया। एक्सपेंस बताना मत कहाँ जाना है, बताओ आप बताओ कि एक्सपेंस कहाँ जाएगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ एक्सपेंस कहाँ जाएगा। सर एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, फिर डेबिट बोला आपने, डेबिट बिल्कुल सही बोला आपने। अब रेवेन्यू, रेवेन्यू बताओ कहाँ जाएगा, सर रेवेन्यू क्रेडिट में जाएगा। रेवेन्यू के कोई दो नाम बता दो। चलो सर सेल्स है, इंटरेस्ट रिसीव है, डिस्काउंट रिसीव है, कमीशन रिसीव है, बिल्कुल सही। चलिए लाइबिलिटी कहाँ जाएगा बताइए, लाइबिलिटी का साइड, लाइबिलिटी को जगाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। सर लाइबिलिटी जाएगा क्रेडिट में, चलो ठीक है। अब एसेट्स का साइड, एसेट्स सर जाएगा डेबिट में। अगर मैं बोलू रेंट तो सर एक्सपेंस, अगर मैं बोलू प्रीपेड रेंट तो सर एसेट्स, अगर मैं बोलू आउटस्टैंडिंग रेंट तो लाइबिलिटी, अगर मैं बोलू सैलरी तो एक्सपेंस, अगर मैं बोलू आउटस्टैंडिंग सैलरी तो लाइबिलिटी, अगर मैं बोलू प्रीपेड सैलरी तो एसेट्स, अगर मैं बोलू एक्रूड कमीशन तो एसेट, अगर मैं बोलू एक्रूड इंटरेस्ट तो एसेट्स, अगर मैं बोलू एडवांस इनकम। अब बताओ एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम क्या होगा हमारा, एडवांस इनकम होगा लाइबिलिटी। तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं देखना, अब मैं बोर्ड के सामने हूं नहीं देखने दूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। बताओ रेंट,
क्या होता है चार में से, इनकम रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंस रेवेन्यू एसेट्स लाइबिलिटी रेंट बताओ। सर रेंट, रेंट तो खर्चा होता है, बिल्कुल सही जवाब। आप कौन से साइड जाएगा सर? ये डेबिट साइड जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं छुपा लेता हूँ, अब मैं छुपा लेता हूँ, अब मैंने छुपा लिया। अब बताओ बिल्डिंग कहाँ जाएगा? बिल्डिंग बताओ कहाँ जाता है चारों पॉइंट में से? बिल्डिंग चारों पॉइंट में से सर बिल्डिंग होता है एसेट्स, बिल्कुल सही जवाब। साइड कौन सा है? साइड है इसका डेबिट, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, आप तो सीख गए। बताओ कैश कहाँ जाएगा? कैश सर कैश, कैश ढूंढो ढूंढो कैश, सोचो कैश कहाँ जाएगा? एसेट्स में जाएगा। और साइड क्या होगा सर? एसेट्स का साइड क्या पूछ रहे हो आप? एसेट्स का साइड, हाँ बेटे एसेट्स का साइड, एसेट्स का साइड क्या होगा? एसेट्स का साइड होगा हमारा डेबिट होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको जब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा मैं क्लास खत्म नहीं करूंगा, ना ही मैं नोट करने दूंगा। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये समझ में आ गया समझ लो आपने जग जीत लिया है। चलो अब मैं पूछूंगा, फटाफट जवाब देना। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ जाएगा सर? इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू में जाएगा, बिल्कुल ठीक रेवेन्यू। और साइड सर? रेवेन्यू पता चल जाए तो साइड तो हम यूं ही बता देंगे, साइड कौन सा? साइड होगा हमारा क्रेडिट। चलो एक बार फिर से पूछते हैं, चलो एक्सपेंस को जगाते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस आपका साइड क्या है, कहाँ जाना है? इसने बोला भाई मुझे डेबिट जाना है। रेवेन्यू आपका क्या साइड है? रेवेन्यू, रेवेन्यू ने बोला मुझे क्रेडिट जाने हैं। लाइबिलिटी आपका साइड बताओ, मुझे क्रेडिट जाना है। ओहो सबको पता चल गया अब तो। एसेट्स, अरे मुझे डेबिट जाना है। क्या आपको पता चला इनको कहाँ जाना है? चलो एसेट्स कहाँ जाएगा सर? डेबिट। रेवेन्यू कहाँ जाएगा? सोचो सर क्रेडिट। एक्सपेंस कहाँ जाएगा बताओ सर? क्रेडिट। एक्सपेंस के बाद क्या रह गया हमारा, क्या रह गया? लाइबिलिटी कहाँ जाएगा सर? क्रेडिट। चलो भाई ये बात तो हमें समझ में आ गया। अब मैं एक बात और लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो ये बताते हो ना कि आप वेज बैड डेट्स है वो एक्सपेंस होगा, तो आप नेचर बताते हो, नेचर ठीक है। मैंने बोला इंटरेस्ट रिसीव बताओ कहां, आपने बोला सर रेवेन्यू, तो आपने बताया नेचर, नेचर बताया आपने नेचर। एसेट्स भी नेचर है, चलो लिख देते हैं। आप सब बहुत आलस हो, आलसी हो गए हो। नेचर, नेचर ठीक है। चलो जी, चलो जी नेचर। अब मैं पूछता हूं, अब बताना आप रेंट का नेचर। सर रेंट का नेचर, रेंट कहाँ जाएगा? रेंट जाएगा बेटे एक्सपेंस में, तो रेंट का नेचर क्या होगा? एक्सपेंस होगा, बिल्कुल सही। मैंने बोला रेंट का नेचर और साइड बताओ सर? रेंट एक्सपेंस है और साइड डेबिट है। मैंने बोला बैंक लोन का बताओ सर? बैंक लोन लाइबिलिटी है और साइड क्रेडिट है। बैंक लोन लाइबिलिटी है और साइड क्रेडिट है। देखो बैंक लोन लाइबिलिटी में जा रहा है और साइड क्रेडिट जा रहा है, लाइबिलिटी इसका नेचर है। अब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको समझना है, और वो बातें मैं यहां लिख देता हूं, बिल्कुल यहां लिख देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल, तो इसका नेचर आपने बताना है कैपिटल। और कैपिटल जो होता है वो प्रोपराइटर होता है, ठीक है, या ऑनर होता है, याद रहेगा पॉइंट नंबर वन। मैंने बोला कैपिटल का नेचर बताओ, तो लाइबिलिटी मत बताओ, कैपिटल का नेचर कैपिटल ही होगा, क्योंकि ये ओनर फंड होता है, इसलिए थोड़ा सा चेंज है। कैपिटल का नेचर क्या होगा? वैसे तो लाइबिलिटी है, लेकिन उसे आप कैपिटल बताना, और इसका साइड क्रेडिट ही रहेगा। चलो अब डेटर को मैं डेटर ना बोल के, डेटर को कई बार मैं बोल सकता हूं कस्टमर। कस्टमर का मतलब ही डेटर होता है, ठीक है। और डेटर कहां जाता है सर? डेटर का नेचर एसेट्स होता है, साइड सर डेबिट होता है, बिल्कुल सही। तीसरा, क्रेडिटर को कई बार सप्लायर बोलते हैं। सप्लायर, सप्लायर क्या होता है? बस ये, और ये लाइबिलिटी और कहाँ जाएगा क्रेडिट, ये बात याद रखना है। क्या याद आया? आप जब तक नहीं बोलोगे हमें समझ में आ गया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब फिर से देखते हैं, मैं कुछ पॉइंट्स पूछता हूँ। आप बताओ इंटरेस्ट रिसीव का नेचर। सर इंटरेस्ट रिसीव रेवेन्यू, बिल्कुल सही जवाब। इंटरेस्ट रिसीव कहाँ जाएगा सर? रेवेन्यू में, ये है बोला तो मैंने। और इसका साइड सर? साइड क्रेडिट।
चलो आप बताओ, स्टेशनरी एक्सपेंस, सर आपने तो बता ही दिया, स्टेशनरी का खर्चा, नेचर एक्सपेंस और साइड डेबिट। आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, सर आउटस्टैंडिंग लग गया, तो आउटस्टैंडिंग लग गया तो लाइबिलिटी, नेचर और साइड क्रेडिट। बैंक का बैलेंस, सर बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस कहाँ है? बैंक का बैलेंस टिक 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 टिक, बैंक का बैलेंस कहाँ है? नहीं है। क्या यहाँ बैंक का बैलेंस है? नहीं। यहाँ बैंक का बैलेंस है? नहीं। क्या इधर बैंक का बैलेंस है? बैंक का बैलेंस है। सर मिल गया, बैंक का बैलेंस सर एसेट्स होता है और ये होगा डेबिट। आपको सोचना भी है कि ये लॉजिकली क्या होता है। मैंने बोला मेरा एसी सर एसेट्स है और डेबिट होगा। मैंने बोला मेरा प्रोजेक्टर एसेट्स है, डेबिट होगा। मैंने बोला मेरा फैन एसेट्स है, डेबिट होगा। मैंने बोला मेरे जेब में जो पैसे पड़े हैं, मेरे जेब में जो पैसे हैं, ये मेरे पैसे बताओ किसके हैं? ये मेरे पैसे हैं, बताओ क्या है मेरे लिए? सर ये आपके लिए एसेट्स हैं। अच्छा बेटे, अच्छा। मेरा मोबाइल फोन सर एसेट्स है, साइड बताओ? सर डेबिट जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। अब बताओ किराया, कैरेज, कैरेज सर एक्सपेंस है। ऐसे मत करो सर, उंगली करके मत बताओ, ऐसे बताओ। चलो कमीशन रिसीव ढूंढो, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव। ओहो ये तो पेड है, कमीशन रिसीव, ये रहा कमीशन रिसीव। कहाँ जाएगा ये जाएगा रेवेन्यू में और क्या होगा? क्रेडिट होगा। और पूछता हूँ, और बताओ बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट मुझे बताने दो, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। नहीं मिला बैंक ओवरड्राफ्ट, इस लिस्ट में भी नहीं है। लिस्ट क्यों ढूंढ रहे हो? दिमाग चलाओ, दिमाग। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। मिल गया सर बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नेचर बता रहा हूं, और साइड क्या है? क्रेडिट है। चलो और पूछते हैं, आप बताना। गुडविल, गुडविल आप बताओ, गुडविल, गुडविल, गुडविल यहां तो नहीं है, गुडविल यहां भी नहीं है। सर मिल गया गुडविल, मैंने बोला इसका गुडविल मिल तो गया, नेचर बताइए क्या है? सर गुडविल का नेचर एसेट और गुडविल का साइड डेबिट। क्या समझ में आई बात आपको? इतनी सी बात समझनी थी आपको। चैप्टर का नाम हमारा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट है, और इसके अंदर हमारे ना दो अप्रोचेस हैं, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। जिसमें से हम मॉडर्न कर रहे हैं, जो अमेरिका वाले फॉलो करते हैं पहले, वो मॉडर्न वाले करेंगे, फिर उसके बाद ट्रेडिशनल करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ ये टॉपिक, अभी और भी रूल हैं इसके कुछ, वो देखने हैं। फटाफट से एक बार इसको नोट करिए, फिर अगले रूल पे चलेंगे, ठीक है? अभी आपको एक बार और लिख के बताऊंगा और समझाऊंगा मैं, फटाफट नोट करिए आप, फिर रूल पे चलेंगे। नोट करिए फटाफट। नोट करिए फटाफट, अच्छे बच्चे की तरह नोट करिए, आज नोट करना है आपने। साफ साफ सुंदर सुंदर नोट करना है।
नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलो अब इसे मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। चलो यहां तक मिटा देते हैं, यहां मेरा काम होगा सारा। ठीक है सर, कर दो इरेज, ये लो इसको रहने देते हैं। बाकी सब नोट कर लिया आपने, थोड़े बहुत रहने देते हैं, थोड़ा याददाश्त बना रहेगा। ठीक है, चलो इसी पे काम स्टार्ट करते हैं। अभी देखो मैंने क्या समझाया आपको कि हमारे रूल जो हैं, रूल क्या कहता है कि रूल में हमारे दो साइड हैं, एक है हमारा डेबिट साइड और एक है हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, अकाउंट्स के अंदर दो रूल होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। लेफ्ट राइट नहीं है ये, बस एक डेबिट साइड। अपन जैसे जैसे करेंगे हमें क्लियरिटी होता जाएगा। डेबिट साइड में किन चीजों को रखना होता है, दो चीजों को रखना होता है। एक रखना होता है हमें एसेट को और एक रखना होता है हमें एक्सपेंस को। ठीक है, और क्रेडिट साइड में किसको रखना होता है? सर क्रेडिट में भी दो को रखना होता है, एक रखना होता है हमें रेवेन्यू को और एक रखना होता है हमें लाइबिलिटी को। ठीक है, चलो रूल, एक डेबिट, एक क्रेडिट, एक एसेट्स, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी। एसेट्स की बात करते हैं। देखो एसेट्स ना दो हो सकते हैं। मान लो मेरे पास पहले तीन बिल्डिंग थे, दो और तीन, बस आप एग्जांपल देखना और मुझे जवाब देना। मेरे पास तीन बिल्डिंग थे, मैंने एक और बिल्डिंग खरीद लिया तो मेरे पास कितने बिल्डिंग हो गए? चार बिल्डिंग। तो मेरा एसेट्स पहले कितना था? तीन। अब कितना हो गया? चार। तो मेरा एसेट्स बढ़ गया या घट गया? सर एसेट्स बढ़ गया। सेम, पहले मेरे पास तीन बिल्डिंग थे, अब मेरे पास बच गए दो, तो एसेट्स क्या हो गया, घट गया या बढ़ गया? सर एसेट्स घट गया। यानी मैं सिंपल सा एक वर्ड बोलना चाहता हूं, मेरा एसेट्स ना घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। क्या इससे एग्री करते हो? हाँ सर इससे एग्री करते हैं। एक्सपेंस, पहले मेरा सैलरी 20,000 देता था मैं, लेकिन अब मैं सैलरी जो देता हूं मैं वो 19,000 देता हूं, तो बताओ मेरा एक्सपेंस घटा या बढ़ा? पहले 20,000 था, अब मेरा 19,000 है, तो मेरा एक्सपेंस बढ़ा या घटा? घट गया। चलो इसके बाद, पहले मेरा 20,000 था, अब मैं 25,000 देता हूं, बोलो मेरा एक्सपेंस बढ़ा या घटा? सर बढ़ गया। सर क्या बताना चाहते हो? बस मैं बताना चाहता हूं कि एक्सपेंस भी हमारा बढ़ घट सकता है। रेवेन्यू, पहले मेरा सेल्स 5,000 का था, अब 4,500 का हुआ, तो सर घट गया ना। पहले मेरा सेल्स 5,000 का था, अब 5,500 का हुआ, सर बढ़ गया। क्यों टाइम खराब कर रहे हो आप? अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा पढ़ना है हमें, बस इसको बता दो। बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, पहले बढ़ गया हमारा, पहले 5,000 था, अब 6 हो गया, तो सर बढ़ गया। और अगर मैं बोलूं 4,000 हो गया तो सर घट गया। बस मैंने जल्दी जल्दी आपके कहने पे मैंने इसे क्या करा, मिटा दिया है। ठीक है चलो, यानी आप बोलना चाहते हो कि सर रूल हटाओ, मुझे पता चल गया। यानी आप बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो? सर रूल के अकॉर्डिंग मैं दोबारा लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ये मैंने मिटाया था, बड़े गुस्से में मिटाया था मैंने। रूल के अकॉर्डिंग रूल दो है, एक है हमारे डेबिट के लिए रूल, एक है मेरा क्रेडिट रूल। डेबिट रूल बताओ किस किस के लिए आएगा? सर मिटा के बस आपने खराब कर दिया इसे। किसके लिए आएगा बताओ, किसके लिए आएगा? सर ये आएगा एसेट्स के लिए। और किसके लिए आएगा? सर ये आएगा एक्सपेंस के लिए। बिल्कुल सही। क्रेडिट में क्या क्या दो बातें होगी?
बताइए। क्रेडिट होगा एक रेवेन्यू के लिए और एक होगा लाइबिलिटी के लिए। बिल्कुल सही सर, ये तो हमें पता चल ही गया। क्यों मिटाया था, क्यों मेहनत कर रहे हो इतना? बस एक बार और मिटा देते हैं, है ना, तो याद रहेगा। क्या मिटा दे बताओ? मिटा दो एक बार और। रूल सर मिटा दो एक बार, ये लो एक बार और मिटा दिया। अब आपको बताना है रूल। रूल 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 किस किस के लिए है? रूल देखते हैं किस किस के लिए रहेगा हमारा रूल। सर क्या कर रहे हो, टाइम खराब। अब रूल आपको याद रखना है, बताओ रूल कितने हैं? अब मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताओ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। रूल बताओ कितने हैं सर? रूल रूल एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। बिल्कुल सही। अब आपको डरना है मेरे गुस्से से। और डेबिट में क्या क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। डेबिट में सर, डेबिट में आएगा एसेट, एसेट्स और एक्सपेंस। बिल्कुल सही। देखा बच्चे, डर से तो हर कोई सच्चाई बता देता है, सच्चाई उगल देता है। ऐसे ही आपने आज सच्चाई बोल दी। अब क्रेडिट का बताओ। क्रेडिट का, क्रेडिट में एक होता है सर रेवेन्यू। रेवेन्यू बिल्कुल सही जवाब। और एक होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी लाइबिलिटीज बिल्कुल ठीक जवाब। चलो क्या है सर? सर रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रूल के अकॉर्डिंग हमारे डेबिट है और क्रेडिट है, और डेबिट में एसेट्स, एक्सपेंस और क्रेडिट। आप मुझे बताना, क्या एसेट्स घट सकता है, बढ़ सकता है? बता दो वरना मैं मिटा दूंगा आज इसे। बता दो नहीं तो मिटा दूंगा। बताओ एसेट्स घट सकता है, बढ़ सकता है? हाँ सर बिल्कुल, एसेट्स घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। एक्सपेंस बिल्कुल सर। रेवेन्यू बताओ नहीं तो मैं मिटा दूंगा। रेवेन्यू हाँ सर, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लाइबिलिटी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखना है, अगर एसेट्स हमारा इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ यानी प्लस हुआ, तो डेबिट होगा। अच्छा सर वो तो पता ही है, एसेट से तो डेबिट होगा। अच्छा अगर एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ या प्लस बोल लो तो क्या होगा? सर पता है डेबिट होगा। बिल्कुल ठीक। चलो लाइबिलिटी अगर, लाइबिलिटी अगर सॉरी रेवेन्यू अगर इंक्रीज हुआ, बताओ क्या होगा? बता दो क्या होगा? या प्लस हुआ सर, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, क्रेडिट होता है तो क्या होगा? क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ, सर सिर्फ टाइम खराब कर रहे हो आज मेरा आप, सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब, क्रेडिट होगा। क्या नई बातें बताई, ज्यादा मत बोलो, अभी मिटा दूंगा नहीं तो मैं फिर से। चलो अब रेड मार्कर, अब ये मेरा मार्कर कमाल दिखाएगा, जादुई मार्कर। और क्या कमाल दिखाएगा? अगर डिक्रीज हुआ यानी माइनस हुआ, तो एसेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो बताओ क्या होगा? सर ये क्या, ये हो जाएगा क्रेडिट। अगर डिक्रीज हुआ, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, सर समझने का मौका तो दो, मौका दो। एसेट्स डेबिट वाला आइटम था, अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अच्छा जब हमारा डिक्रीज होता है, माइनस में जाता है, तो साइड बदलने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर इसका आंसर मैं बताऊंगा। इसका आंसर अब बताओ, इसके बारे में डिक्रीज हुआ
सर इसका आंसर भी मुझे बताने दो। इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो साइड चेंज हो जाएगा, मतलब डेबिट। बिल्कुल सही जवाब, डिक्रीज हुआ। सर ये भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताओ बच्चे। इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो, डिक्रीज हुआ तो सर डेबिट। बिल्कुल सही जवाब। बस मैं ये बताना चाहता हूं, रूल देखो बेटे, इसे साफ साफ लिखना वाले आई तो डेबिट ही रहता है, लेकिन डिक्रीज करते हैं तो साइड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बताओ मुझे मेरा बैंक का बैलेंस क्या हुआ, कम हो गया, तो मेरा बैंक क्या है, मेरा एसेट्स है, और अगर कम हो गया तो एसेट्स को कम करना है यानी डेबिट को कम करना है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा रेंट मेरा बढ़ गया, रेंट बढ़ गया, रेंट क्या है, देखो रेंट क्या है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, बढ़ गया तो, बढ़ गया तो क्या होगा, रेंट अगर बढ़ गया तो डेबिट होगा, रेंट अगर घट गया तो क्रेडिट होगा। चलो ऐसे ही पूछता हूं, ऐसे ही पूछता हूं, डिस्काउंट रिसीव घट गया, सबसे पहले तो डिस्काउंट रिसीव चेक करो कहां आएगा। सर डिस्काउंट रिसीव आएगा इनकम में, और अगर ये घटेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। इतनी सी बात समझ में आई। और पॉइंट पूछते हैं, मेरा फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर एसेट्स है और कम होगा तो क्या होगा, एसेट्स डेबिट वाला आइटम है और कम होगा तो होगा क्रेडिट। बिल्कुल सही। मशीनरी बढ़ गया, मशीनरी हमारा डेबिट वाला आइटम है क्योंकि ये एसेट्स है, और बढ़ गया तो डेबिट वाले आइटम को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। तो अभी हमने क्या देखा, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में, कि कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट, डेबिट होता है लेकिन इंक्रीज के केस में, और डिक्रीज के केस में क्या हो जाता है, ये क्रेडिट। रेवेन्यू हमारा क्रेडिट होता है इंक्रीज के केस में, लेकिन डिक्रीज के केस में क्या हो जाता है, डेबिट। लाइबिलिटी हमारा इंक्रीज के केस में क्रेडिट होगा, डिक्रीज के केस में डेबिट होगा। एसेट्स डिक्रीज के केस में क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इंक्रीज के केस में ये डेबिट होगा। अब इसको आप साफ साफ नोट करें, फिर क्वेश्चन करेंगे। नहीं सर पहले एक एग्जाम्पल बताओ। देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको नोट्स में मिलेंगे, आपको जवाब पहले इसे नोट करिए, फिर मैं आपको दूंगा एग्जाम्पल। पहले नोट करो फटाफट से, ठीक है, इसके बाद चलते हैं। नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। कर लिया नोट, चलिए चलिए मिटा देते हैं इसको, अब ये सब मिटा देते हैं। मिटा देते हैं इसको, सर सारा मिटाना है क्या, आपको नहीं मिटाना, मैं मिटा देता हूं। यहां करते हैं, देखो आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चन करना किस तरीके से है, आपको सबसे पहले कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। ये बनाया फॉर्मेट, ये बनाया फॉर्मेट, ये बनाया, यहां लिखना है आपने नेचर, साइट, ठीक है, ये दो चीजें बतानी है आपने। रेंट, तो रेंट का नेचर है एक्सपेंस, और एक्सपेंस डेबिट होता है तो इंक्रीज होगा तो, मैंने बोला सेल्स,
इंक्रीज होता है। तो सेल्स का नेचर सर रेवेन्यू, और रेवेन्यू चेंज हो जाएगा, क्या होगा? डेबिट। मैंने बोला कैपिटल, आपने नोट लिखवाया था शायद। हाँ बिल्कुल, कैपिटल कैपिटल होता है और कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर कैपिटल भी इसके बाद बिल्डिंग, बताइए बिल्डिंग क्या है? सर बिल्डिंग एसेट है और ये होगा हमारा डेबिट। कुछ नहीं बताए तो समझ लेना इंक्रीज की ही बात कर रहा हूं। करना है आप ध्यान से देखना कि ऊपर जो क्वेश्चन डिमांड करता है वो इनके चीज इग्नोर करा तो आंसर आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज के हिसाब से आपको इस फॉर्मेट में जवाब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बस आपने, तभी आप एग्जाम में आपको मेमोराइज रह पाएगा। चलिए, मॉडर्न अप्रोच कर लिया अकाउंट्स के, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के मॉडर्न अप्रोच हमने कर लिए। अब हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है? तो एक बार इसको नोट करिए फटाफट, फिर हम चलेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच पे। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। हाँ जी बच्चे, चले स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी तक हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखा, जिसमें किसी को डेबिट किसी को क्रेडिट और डिक्रीज और इंक्रीज के पॉइंट्स देखे। अब मैंने आपका थोड़ा सा टाइम बचाते हुए पहले ही कुछ फॉर्मेट बना लिया है, और अब हम सीखेंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। बस खत्म होने वाला है ये चैप्टर, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का ही एक पार्ट है हमारा। हमने जो लास्ट टाइम पे किया था वो था हमारा मॉडर्न अप्रोचेस, और जो अब मैं करने जा रहा हूँ ये है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ठीक है? देखो, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, और ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप ऑफ अकाउंट है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इस अकाउंट का बताइए क्या टाइप है, या तो नेचर पूछ लेगा या तो टाइप पूछेगा। तो बेसिकली दो ही टाइप के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल और इम्पर्सनल। ज्यादातर मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ तो वो कहते हैं तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। लेकिन अगर टाइप ऑफ अकाउंट कोई पूछे तो पर्सनल और इम्पर्सनल। हाँ, इम्पर्सनल के अंदर दो पार्ट है हमारे, इम्पर्सनल में दो पार्ट है। एक है हमारा रियल, रियल अकाउंट। अकाउंट को ना मैं कुछ अलग तरीके से भी लिख सकता हूं, अभी मैं बताता हूं आपको। नॉमिनल अकाउंट को अब मैं एसी करके भी लिख सकता हूं, ऐसे। ये जो होता है ना, ये अकाउंट का सिंबल होता है, ए ऑब्लिक सी। तो हमारे अकाउंट कितने टाइप के हैं बताओ? दो टाइप के हैं, एक पर्सनल इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल के अंदर दो पार्ट है, ठीक है ना? चलिए, अब हम ऐसे कौन सी चीज को पर्सनल बोलें और कौन से पॉइंट को इम्पर्सनल बोलें तो वो देखते हैं। पर्सनल अकाउंट जितने पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, जैसे कि नेम, नेम के अंदर आपका राम, मोहन, सीता, एनी, जिसमें जान है
उसे हम नेचुरल पर्सन में रखेंगे। अगर मैं पूछूं राम बताओ कौन सा अकाउंट है, तो जवाब होगा सर राम पर्सनल अकाउंट है, मोहन मोहन पर्सनल अकाउंट है, आपका नाम आप पर्सनल अकाउंट हो, ठीक है ना, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही आर्टिफिशियल मतलब जो कंपनी होगा ना बच्चे, कंपनी बिजनेस, आपको पता है कि सेपरेट एंटिटी के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग, तो बिजनेस जैसे रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, जैसे इन्फी लिमिटेड, इन्फोसिस, जैसे बिरला, ये सारे कंपनी के नाम हैं, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए राम का टाइप बताइए तो पर्सनल बताएंगे, अगर आपसे पूछा जाता है रिलायंस कंपनी उसका टाइप बताइए, तो उसका भी आपको जवाब देना है, आर्टिफिशियल नहीं देना, आपने देना है कि इसका पर्सनल होता है। अगर आपसे पूछा जाए बिरला लिमिटेड आप बताइए, तो बोलोगे आर्टिफिशियल, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं बोलना, आपने बोलना है ये पर्सनल अकाउंट होता है। तो इस तरीके से आपने जवाब देना है। रिप्रेजेंटेटिव, मैं रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ के पहले मैं रियल पे आता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव में मैं अभी लिस्ट लिखूंगा, पहले मैं रियल और नॉमिनल, या तो फिर पहले लिख देते हैं, चलो रिप्रेजेंटेटिव में ऑल लाइबिलिटी आएंगे, सारे लाइबिलिटी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है उसके बदले में उसके पीछे कोई ना कोई पर्सन ही है, जैसे रिप्रेजेंटेटिव में कैपिटल, जैसे आउटस्टैंडिंग, और भी आएंगे वैसे एक्सपेंस, और जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल पेबल, और रिप्रेजेंटेटिव में कुछ एसेट्स भी आ जाते हैं, कुछ एसेट्स भी आ जाते हैं। एसेट्स में क्या क्या आता है, डेटर, प्रीपेड, बैंक का बैलेंस यानी बैंक अकाउंट, देखो अकाउंट ऐसे लिखूंगा मैं, अब और क्या आएगा, और आपका क्या आएगा, बिल रिसीवेबल, ये सारा किस में आ जाएगा आपका, रिप्रेजेंटेटिव में। आपसे मैंने पूछा कि आप मुझे क्रेडिटर बताओ, तो जवाब है पर्सनल अकाउंट, टाटा लिमिटेड, जवाब पर्सनल अकाउंट, मोहन, जवाब पर्सनल अकाउंट, आपका नाम क्या है, आपका नाम राजू, जवाब पर्सनल अकाउंट, आपका नाम क्या है, आपका नाम रोहित, जवाब पर्सनल अकाउंट, कैपिटल, जवाब पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इसके कुछ ना कुछ रूल है, इसके रूल क्या कहता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया लास्ट में भी, पूछा गया लास्ट एग्जाम में भी, तो ध्यान से देखना। रूल पूछा जाए तो इसका रूल क्या है, किसका रूल मैं बताने जा रहा हूं, द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये रूल है इसके, इसे गोल्डन रूल भी कहते हैं बच्चे, इसको इसको क्या कहते हैं हम, गोल्डन रूल। और ये हर किसी के लिए अपना अपना है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, आगे जैसे जैसे टॉपिक जाएगा। अब मैंने बोला कि टाटा बताओ कौन सा अकाउंट है सर, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, अगर इनमें से कोई पॉइंट्स आपको दिखता है तो उसको आप बताओगे टाइप कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। चलिए रियल अकाउंट में क्या क्या आएगा, रियल अकाउंट में बिल्डिंग, सारे के सारे एसेट्स, एसेट्स ऑल एसेट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट सारे एसेट्स आएगा, एक्सेप्ट क्या क्या, जो यहां पे लिखा है, यानी डेटर, प्रीपेड, बैंक, बीआर, ये सारा, तो क्या क्या आएगा सर, इसमें आएगा बिल्डिंग, सर इसमें आएगा आपका मशीनरी, सर इसमें आएगा कैश, सर इसमें आएगा गुडविल, सर इसमें आएगा स्टॉक एंड एक्सेट्रा, जितने भी हमने एसेट्स लिखे थे ना इससे पहले वाले टॉपिक में, वो सारे एसेट्स, बस इन चार एसेट्स को छोड़कर सारा क्या होगा हमारा, रियल।
अगर मैं आपसे पूछता हूँ बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग इम्पर्सनल नहीं बताना, बिल्डिंग बताना है, रियल ही बताना है, ठीक है? आपसे पूछा कैश, तो रियल, ठीक है? इसका क्या रूल है? इसका भी अपना रूल है, डेबिट व्हाट कम इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, तो डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रियल अकाउंट का अपना एक रूल है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये गोल्डन रूल है। और ये कई बार पूछ लेता जाता है कि रियल अकाउंट के क्या रूल हैं, आपको तीनों ऑप्शन दे देंगे, नन ऑफ दीज कह देंगे, एक टिक करना है आपको एमसीक्यू में। चलिए अभी मैं डिस्कशन करूंगा। नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस एंड ऑल इनकम, रेवेन्यू भी बोल सकते हो, नॉमिनल में ऑल एक्सपेंस और इनकम, या फिर रेवेन्यू भी बोल सकते हो आप। तो ये सारा का सारा हमारा रहेगा, जैसे एग्जाम्पल सेल्स, एग्जाम्पल आपका सैलरी, एग्जाम्पल इनकम एक्सपेंडिचर, अब बताना मुझे एक्सपेंस। सिर्फ मैं बोलूँ रेंट तो खर्चा है, तो इसका पार्ट है। अगर प्रीपेड रेंट बोलूँ तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग दोनों यहीं पे रहेगा, ठीक है? तो इसका क्या रूल है? इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, इसके बाद क्रेडिट। क्या दिख रहा है आप सबको? एक बार कैमरा चेक करिए, क्या सभी बच्चों को दिख रहा है ये साइड में? बिल्कुल बच्चे दिख रहा है। चलिए इसके बाद क्रेडिट ऑल गेन एंड प्रॉफिट। गेन पता है ना आपको, जब हम इरेगुलर बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो उसको गेन बोलते हैं, ये है। तो आपसे एग्जाम में कोई भी चीजें पूछा जा सकता है, मैं जो पूछूंगा वो बताना। कैश अकाउंट, सर कैश अकाउंट एसेट है तो कौन सा होगा? रियल। डेबिट क्रेडिट नहीं बताना आपने, आपने बस टाइप बताने हैं कि रियल, नॉमिनल या फिर पर्सनल, ठीक है? आपसे पूछा राधे श्याम, सर राधे श्याम नाम है, पर्सनल। आपसे पूछा मैंने मान लेते हैं कि डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, सर वो आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल। मैंने पूछा आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस आर्टिफिशियल पर्सन है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी एक्सपेंस वो हमारा क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव में आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये क्या होगा? हमारा पर्सनल होगा। मैंने पूछा कि डिस्काउंट रिसीव, सर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। मैंने पूछा आपसे गुडविल, सर एसेट है गुडविल और रियल अकाउंट, ठीक है? तो आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज़्यादा इलेबरेट नहीं कर रहा, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे लूंगा। अब मैं पूछता हूँ, मैं बताना मेरा मार्कर सर क्या है? ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। तो सिंपल से लैंग्वेज में देखो, याद रखने का, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन से रिलेटेड सारे आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन से रिलेटेड सारे आएंगे, और रिप्रेजेंटेटिव में सारे लाइबिलिटी तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ कुछ एसेट्स हैं जो चार तरीके के हैं जो कि पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। बाकी सारे एसेट्स कौन से होते हैं हमारे? रियल अकाउंट। नॉमिनल में सारे खर्चे और सारे इनकम किस में जाएंगे? हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। चंदा रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव, बताइए इनकम है? ये मुझे मेरा फर्नीचर इसमें आएगा। आप बताइए शाहरुख खान, शाहरुख खान नाम है, पर्सनल में जाएगा। आप बताइए पीवीआर सिनेमा, पीवीआर सिनेमा ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल में जाएगा। आप बताइए मुझे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल पर्सनल में जाएगा। आप बताइए मुझे मेरा कैमरा, कैमरा क्या है मेरे लिए? एसेट्स है, कैमरा रियल अकाउंट में। आप बताइए मैंने कमीशन खाया है, कमीशन रिसीव किया है, क्या है? इनकम,
नॉमिनल में। मेरा ट्यूशन का फी, आप जो फी पेमेंट कर रहे हो मेरे लिए क्या है, इनकम, तो नॉमिनल में। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, और मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपने प्रैक्टिस करके देखना है। तो हमारा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट दो बातों पर डिपेंड करता है, ट्रेडिशनल और आपका मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर आपको इंक्रीज और डिक्रीज के बेसिस पे था, और ट्रेडिशनल में क्या है आपका, ट्रेडिशनल के अंदर देखा जाए तो आपका रियल, नॉमिनल और पर्सनल। टाइप ऑफ अकाउंट दो होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के अंदर दो पार्ट है, लेकिन आप रियल नॉमिनल के नाम से ही उसको बोलोगे। क्लियर है आपको? तो चलिए आप एक बार फटाफट नोट करिए, फिर हम एक टी शेप अकाउंट होता है वो सीखेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, और इसको छोड़ना नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूं, लेकिन आपको समझ में जरूर आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तब भी ना समझ आए अपनी फीस मुझसे ले जाना आप, तब भी समझ में ना आए फीस ले जाना, डबल ले जाना, चलो डबल ले जाना। आप अच्छे से करो एक बार इसको। नोट करिए एकदम फटाफट से आप। कर लिया नोट बच्चे? अच्छे से पढ़ाई चल रही है ना? नोटिंग जरूर करना है आपने, फटाफट नोट करिए। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस भी करूंगा जब हम पूरी क्लास खत्म कर लेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं है हमारे, तो जनरल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो थे हमारे, गैप जो है वो भी हमने देखा। इसके बाद हमने आज क्या देखा, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। इसके बाद छोटा सा टी शेप अकाउंट है वो देखेंगे, उसके बाद फिर आगे टू बी कंटिन्यू। थोड़ा सा रह गया है बस, आपका अकाउंट का खत्म होने वाले हैं, और आप अकाउंट्स के एकदम अच्छे से कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन। तो जल्दी से देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, कर लिया नोट? देखो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, कि जो हमने लास्ट जो पॉइंट हमने देखा था, लास्ट पॉइंट इन द सेंस कहने का मतलब है कि जो अभी हमने रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में दो सेक्शन देखे हैं, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। देखो मॉडर्न तो मैंने आपको लगभग लगभग याद करवा दिया, ट्रेडिशनल में मैंने ज्यादा याद नहीं करवाया, क्योंकि उसमें आपको एग्जाम में सबका भी प्रिपरेशन करना है, तो इसको बार बार देखना। फिर भी मैं कोशिश करूंगा बीच बीच में आपसे पूछता रहूं, और आप हमेशा याद रखना, इसके अंदर जो गोल्डन रूल था ना, पर्सनल के लिए था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल के लिए था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट गोस आउट, नॉमिनल के लिए ऑल एक्सपेंसेस डेबिट एंड इनकम क्रेडिट, तो उसे आपने याद रखना है। अब देखो हमारी अकाउंटिंग किस बेस पे होता है, जिसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं, जिसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं, टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट, टी शेप अकाउंट। चलो बस, क्या होता है बेसिकली, हम जो अकाउंट बनाते हैं फॉर्मेट, वो इस फॉर्मेट में बनाते हैं। ये देखो मैंने यहां पे बीच में लाइन दिया, तो बताओ आप ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं आपको टी फॉर्म में नजर आएगा। एक लाइन इधर खींच दूंगा फिर मैं इसे, फिर एक इधर लाइन खींच दूंगा मैं, ठीक है? ये बन गया हमारा एक फॉर्मेट, इसको फॉर्मेट को बोलते हैं अकाउंट। इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर लिखेंगे अमाउंट, इधर लिखेंगे पर्टिकुलर, इधर अमाउंट। अब आपसे बोला जा सकता है आप फर्नीचर के बारे में बताइए, ठीक है? तो फर्नीचर चेक करो क्या है हमारे लिए, एसेट है, तो हमारा स्टार्ट इधर से होगा। अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो इधर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये साइड हमारा डेबिट होगा हमेशा, और ये साइड हमेशा क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखना है। तो फर्नीचर एसेट्स है, तो एसेट्स के इधर होता है डेबिट, तो हम इधर से लिखेंगे। मैंने लिख दिया, मान लेते हैं फर्नीचर अगर खरीदा है तो कैसे खरीदा ये लिखना है, बैंक से खरीदा 10,000 का इधर। अगर मान लो फर्नीचर घट गया, तो डेबिट वाले आइटम को घटाने के लिए किधर लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। जैसे मैं इधर लिखूंगा घटने का रीजन, अगर मैं बैंक से बेच दूं या डेप्रिसिएशन लग जाए, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद आप क्या देखोगे कि आपका एसेट्स में कमी आ जाती है। तो मैंने बोला डेप्रिसिएशन लग गया 2,000 का, तो ये आ गया।
ऐसे बोला मैंने एक और फर्नीचर खरीद लिया, तो और एक खरीदोगे तो बैंक लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है परचेज। परचेज मान लेते हैं 2,000 का खरीद लिया। मान लो एक फर्नीचर आपने बेच दिया, तो यहाँ पे लिख दोगे बैंक से ही, और बेचने के बाद कम होगा इसलिए मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है प्लस करने के लिए डेबिट और माइनस करने के लिए क्रेडिट, तो इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्रेडिट में, क्योंकि ये क्या हो रहा है सेल, और सेल से आप बताओ क्या होगा, कम होगा 1,000 रुपये। ठीक है, मेरा फर्नीचर कोई चोरी हो गया सपोज करो, या डिस्ट्रॉयड लॉस बाय फायर हो गया, तो किधर होगा फर्नीचर, जब लॉस बाय फायर होगा तो मेरा फर्नीचर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितने का, मान लेते हैं 500 रुपए का, तो ये टी शेप अकाउंट रहेगा। चलो एक एग्जांपल, ये इसको आपका नोट करना है, एक बार फटाफट नोट करिए, फिर हम आगे चलेंगे टी शेप अकाउंट में, दूसरे एग्जांपल के लेंगे। नोट करिए आप। हाँ जी, नोट कर लिया आपने? हम क्या सीख रहे हैं, टी शेप अकाउंट फर्नीचर का सीख हमने। चलो एक और अकाउंट पूछते हैं आपसे, कैपिटल का अकाउंट पूछते हैं। सच सच जवाब देना और लॉजिक के साथ जवाब देना, मैं पूरा टाइम दूंगा आपको सोचने का। ये एक लेजर बन गया, यही तो टी शेप अकाउंट है। सबसे पहले मुझे बताओ कैपिटल, कैपिटल का साइड क्या होगा, सोच के बताना। इतने मैं यहां काम कर रहा हूं, आप सोचिए। जवाब नहीं आया, सोचो। क्रेडिट ये ऊपर लिखना है मुझे, कैपिटल अकाउंट एसी। ठीक है, क्रेडिट तो यानी कैपिटल स्टार्ट किधर से होगा, इधर से, तो कैश में आएगा कैपिटल, तो कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मान लो 50,000 आया, फिर मेरा मन किया और मैंने फिर कैपिटल लगा दिया, तो कैपिटल प्लस हो रहा है, तो यानी किधर जाना चाहिए, अगर क्रेडिट वाले आइटम को प्लस करेंगे तो क्रेडिट ही होना चाहिए। फिर से इस बार चेक से लगाया है, तो बैंक आ गया 3,000। अब मैंने कुछ पैसे निकाल लिए, यानी कैपिटल को माइनस कर दिया, तो किधर जाना चाहिए, सोच के बताइए। सर माइनस करा है तो कम होगा, और क्रेडिट वाले आइटम को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर डेबिट है और इधर क्रेडिट, यानी ये इधर से प्लस होगा और इधर से माइनस होगा, तो इधर करेंगे ड्रॉइंग। अपने पैसे निकालोगे तो क्या आएगा, ड्रॉइंग 2,000। और बताओ, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाने से कैपिटल हमेशा बढ़ता है, इसको याद रखना है आपने। प्रॉफिट कमाने से कैपिटल क्या होता है, बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है प्रॉफिट कमाने से। अच्छा जी, तो प्रॉफिट किधर आएगा, इधर आएगा 100 रुपये। लॉस से क्या होगा, घटेगा, तो लॉस किधर आएगा, इस साइड आएगा 300 रुपये। बैलेंस अगर निकालने को बोलूं तो सिंपल, जिधर का टोटल ज्यादा है उधर करिए, तो 50,000 नहीं, 5,000 कर देते हैं, 5 और 3 8, 8,100 इधर टोटल लिखा और इधर टोटल लिखा हमने, और इधर लिख देना है आपको बैलेंस। बैलेंस बस बैलेंस लिख दो, बैलेंस कितना आ गया, 2,300 माइनस कर दो तो 6,100, तो 5,800। ठीक है, कैपिटल का समझ में आया आपको, कैसे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। हाँ सर समझ में आ गया। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी का ही हमारा टी शेप अकाउंट बनेगा, खर्चे और इनकम का नहीं बनता नॉर्मली। ठीक है, याद रखना है किसका, सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी का। चलो मैं पूछता हूँ क्रेडिटर, क्रेडिटर आप मुझे बताना, आप सोचो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है। क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, इस साइड होता है हमारा डेबिट और इस साइड हमारा होता है क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बताओ क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है। सर क्रेडिटर का बैलेंस तो क्रेडिट होगा, तो अगर क्रेडिटर है तो कैसे बनेगा, परचेज से, तो परचेज 1,000। अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बच्चे आपको ये सारी चीजें देखने में, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब जर्नल और लेजर पे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, तो ये आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिटर कम कब होगा, जब पेमेंट कर देंगे, तो पेमेंट करेंगे तो कैश में पेमेंट करेंगे, मान लेते हैं कि 200 रुपये का। अब बताओ बैलेंस क्या आएगा, सर अब तो बैलेंस आएगा 1,000 और 1,000 और ये बैलेंस।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके 800 रुपये। एमसीक्यू में शायद पूछा जाए, एमसीक्यू के लायक तो आपने क्वेश्चन बना ही लिया है कि क्या देना है नहीं देना है। बाकी अकाउंट में एक बार समझा रहा हूँ कि नॉर्मली हमारा टी शेप अकाउंट क्या होता है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग करते हैं, तो एक बार इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम चलेंगे जर्नल पे, जर्नल के बाद लेजर, और फिर हम सीखेंगे फाइनल अकाउंट, और हमारे जो कॉन्सेप्ट आएंगे एग्जाम में टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम जर्नल सीखेंगे इसके बाद, आप इसको फटाफट से नोट करिए। अब हाँ